तो नामांकन से पहले बादली विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अजेश यादव ने अपनी विधानसभा में रोड शो निकाला। रोड शो के जरिए अजेश यादव ने लोगों का आशीर्वाद भी लिया। चुनाव नजदीक आते आते उम्मीदवार लोगों से आशीर्वाद मांगने पहुंच रहे हैं। शनिवार को बादली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजेश यादव ने एक रोड शो निकाला। रोड शो के जरिए अजेश यादव ने जनता का आशीर्वाद लिया और चुनावी मैदान में जीत की ताल ठोकी। दिल्ली की जनता खुद ही अपने आप चुनाव लड़ रही है। हम तो यहाँ सोच के आए थे 20-30-50 आदमी, लेकिन यहाँ हर घर से लोग दिल्ली का चुनाव खुद लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल जी नहीं लड़ रहे, अजेश यादव नहीं लड़ रहा, ये दिल्ली की जनता का चुनाव है। हमारी विधानसभा में किसी की जमानत नहीं बचेगी, ये लग रहा है। अजेश यादव बादली विधानसभा से मौजूदा विधायक है और आम आदमी पार्टी ने अजेश यादव पर एक बार फिर से विश्वास जताया है, जिसको लेकर अजेश यादव ने पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस बार लोग काम के नाम पर वोट देंगे और इसलिए उनकी जीत निश्चित है। किसी से टक्कर नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है। टक्कर के बाद हम घर घर जाएंगे और घर घर क्या जाएंगे, दिल्ली की पूरी जनता, खाली बादली विधानसभा नहीं, लोग खुद ही घर घर जा रहे हैं। गलती मत कर जाना, दिल्ली के लिए केजरीवाल जी बहुत जरूरी है। जीत के दावे तो सभी उम्मीदवार करते हैं, लेकिन आने वाली 11 तारीख ही बताएगी कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।